हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उधमपुर। और रेडी हो चुके हैं भाई लोग, अपन लोग सारी बाइक्स रेडी हो चुकी हैं, लगेज वगैरह टाई हो चुका है, कोल्ड स्टार्ट भी कर लिया। वैसे कोल्ड स्टार्ट की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कर ली है, ठीक है। और अभी हम निकल रहे हैं करगिल के लिए। बात पहले हम श्रीनगर जाएंगे ऑफकोर्स, और यहाँ से श्रीनगर के बीच में इतना कुछ ज़्यादा व्यू पॉइंट नहीं है जितना श्रीनगर के बाद मिलने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो श्रीनगर जाके मुझे मेन फ्यूज़ भी लेना है अपनी बाइक के लिए, एक्स्ट्रा फ्यूजेस मुझे रखने पड़ेंगे, तो वो रख देते हैं। और उसके बाद निकलेंगे आगे सोनमर्ग, फिर करगिल, जो ज़िला पास सबसे टफ पड़ने वाला है इस राइड पे अभी आज के दिन का, लगभग 385 किलोमीटर है टोटल यहाँ से करगिल, तो वो हम सब कवर करेंगे आज। और सबके पास एक एक सिम तो है, मतलब हर बाइक के पास एक पोस्टपेड सिम है जो काम चल रहा है जिससे। और मेरे साथ बस एक ही दिक्कत है कि मेरा मेन फ्यूज़ मेरे पास बस एक ही बचा है, जो मुझे श्रीनगर में ही मिलेगा दूसरा, तो वो निकालते हैं एक बार और फिर निकलते हैं आगे। और जहाँ तक बात है कि पार्किंग का, तो ये है वो पार्किंग, मतलब अगर आप ज़्यादा ग्रुप में हैं, मतलब ज़्यादा बंदे हो ना, तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो ये है होटल सम्राट, वैसे होटल सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। 5-6 बाइक, अगर यहाँ पे 2 गाड़ियाँ भी लग गई तो पार्किंग ख़त्म है, फिर तो मतलब बाइक लग ही नहीं सकती, समझो। तो बस यहाँ पे पार्किंग का इशू है, बाकी आप और भी होटल चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन हाँ खाना इसका बहुत अच्छा है। तो ये सीन है, अब निकलते हैं यहाँ से, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और हम निकलते हैं। पैनली एडवेंचर सब रेडी है, चलो फिर। तो भाई लोग, हर हर महादेव। चले गाइस, ऑल ओके, चलो चलो चलो, हर हर महादेव। तो मैंने लगता है नी गार्ड थोड़े टाइट कर दिए, बार बार खुल रहे थे। चलो चलो भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, किसी ने एक बात कही थी, लद्दाख जब मैं लास्ट टाइम था तो एक अंकल ने एक बात कही थी कि पत्थर उठा के फेंक के मारो, जिसको लगेगा वो व्लॉगर निकलेगा। एंड दैट्स ट्रू ब्रो। लद्दाख के अंदर आपको ना जितने बाइकर्स होंगे, मैक्सिमम उनमें से वीडियोग्राफर या वो होंगे, क्या बोलते हैं आपका, जी हाल मस्ती। अरे ये गाना कैसे चढ़ गया हूँ मैं आज। तो चलिए भाई, जय श्री राम करता है, उधमपुर को प्रणाम करते हैं और निकलते हैं हम श्रीनगर के लिए। उधमपुर बहुत खूबसूरत जगह है, कल तो हम भाई साहब मेन मार्केट में घुस गए थे उधमपुर की, लेकिन ये लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इसी रोड में ही थे, मेन मार्केट में घुसे थे, लेकिन कल रात को हम वहाँ अंदर मेन मार्केट में घुस गए थे और पूरा घूमते 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 पूरा घूमते घूमते रह गए भाई। फिर मैंने मैप में लगाया, फिर उसके बाद हम होटल में पहुंचे, तो वो सीन था। बाकी यहाँ पे आगे चल के एमआई का स्टोर होगा, एमआई के स्टोर से राइट लेंगे तो वो जाएगा श्रीनगर, और वहीं पे फ्यूल अप स्टेशन पड़ेगा, मतलब फ्यूल अप वहाँ पे एक स्टेशन पड़ेगा जिसमें आप पेट्रोल वगैरह डला सकते हो, और राइट में जाएगा आपका श्रीनगर। अब डिपेंड करता है कि श्रीनगर के लिए रोड बन गई है या नहीं बनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम थे तो श्रीनगर के लिए रोड नहीं बनी थी। अभी यहाँ पे है पेट्रोल पंप, ये लोग फ्यूल अप कराएंगे, मैं भी सोच रहा हूँ करा ही लूँ क्या, वैसे आगे तो मिल जाएंगे तो मैं तो आगे ही कराऊंगा। चैतरी कितना है तेरे पास फ्यूल, फ्यूल कितना है, चल जाएगा, कितने दूर आ रहा है, मिल जाता है रास्ते में, मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ क्या, हाँ रुक लेंगे, क्या हो गया भाई, फ्यूल अप तो कराना ही है, मेरे भी 2 ही बार कम है, आगे तो बहुत मिलेंगे यार। निकल चुके हैं, अभी वक्त हो रहा होगा सुबह के 7:30-8 बज रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम लग गया, तो 8 बज रहे होंगे। तो अब देखते हैं यार कितना टाइम लगता है श्रीनगर तक, क्योंकि श्रीनगर तक का ही
पंगा ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके बाद देखो सोनमर्ग तक का तो रास्ता ठीक है, ठीक है, और आपका सोनमर्ग के बाद जोजिला तक का भी रास्ता ठीक है, मतलब ठीक क्या है, वो है तो ख़राब ही, लेकिन चलो देखते हैं। जोजिला ही टारगेट है यार, मतलब टारगेट क्या है कि देखो श्रीनगर जाने में अगर रोड अच्छी मिलती है तो हम इजीली आज करगिल पहुंच सकते हैं। सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि हम श्रीनगर किस टाइम पहुंच रहे हैं, सब कुछ उसमें डिपेंड करता है, क्योंकि अगर रोड ऐसी रही, ऐसी रोड में तो आप क्या ही करोगे, कितना ही भगाओगे। हाँ रोड अच्छी रही तो बात अलग है। ऊपर से ट्रक ट्रक तो बहुत मिलेंगे भाई रास्ते में। वैसे श्रीनगर से जो पहले जो एक स्ट्रेट हाईवे आता है ना, वो तो काफी अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है। बीच में एक टनल भी मिलेगी बेहतरीन वाली, ठीक है। रास्ता कहाँ खराब है मैं आपको बताता हूँ, वो पहाड़ी रास्ते में खराब है रास्ता। लेफ्ट लेफ्ट यहाँ से है 186 किलोमीटर और ले पड़ेगा 616 किलोमीटर। तो ये है, वैसे ये हाईवे बन गया है भाई, लास्ट टाइम ये हाईवे बन रहा था इस टाइम पे, वो लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो वो वाला इलाका बन रहा था, और यहाँ पे पूरी धूल मिट्टी थी और जाम लगा हुआ था गंदे वाला लास्ट टाइम। अब जैसे कि मुझे शुरुआत में तो देखो सही लगता है, शुरुआत में तो जब आप मनाली निकलते हो चंडीगढ़ से तो शुरू में तो वो भी 4 लेन हाईवे होता है, लेकिन बाद में जाके तो ख़राब ही मिलता है ना, क्योंकि बन रहा है ऑन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये भी देखते हैं कि कितना बन चुका है, अगर बन गया होगा तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, फिर तो 186 किलोमीटर हार्डली 2 घंटे का रास्ता, 2 से 2.5 घंटे का रास्ता। और ठंडा ठंडा लगने लगा है, या पसीने की वजह से ठंडा लग रहा है। अब ये देखो ये पूरा हाईवे है, अगर ये पूरा बन गया होगा ना, हे भगवान पूरा बन गया हो बस, अगर ऐसा ही मक्खन हाईवे मिलता है तो मज़ा आ जाएगा। जी हाल है मस्ती, अबे ये गाना बार बार क्यों आ रहा है। स्पीड लिमिट यहाँ पे 45 है कार्स के लिए, बाइकर्स के लिए तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, लोग सुपर बाइक में लोग आएंगे तो 45 पे थोड़ी घुमाएंगे। और पहाड़ों को प्रणाम करते हैं और चलते हैं श्रीनगर के लिए। अगर हम श्रीनगर टाइमली पहुंच जाते हैं तो हम डल लेक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब देखो लास्ट टाइम मैं डल लेक जा चुका हूँ, ठीक है। अब डल लेक में मज़ा तब है जब आप वहाँ पे स्टे करो, वो भी हाउस बोट लेके, तब तो मज़ा भी है डल लेक में। और यहाँ पे तो भगाने में मज़ा आएगा भाई, है ना। वैसे तो डल लेक में नॉर्मल ही है घूमने के लिए, लेकिन अगर आप स्टे करते हो तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपका आपका स्टे है श्रीनगर, आपने पॉइंट रखा हुआ है श्रीनगर, तो भाई साहब आप रुको डल लेक में, रुको हाउस बोट में, रुको, अलग ही मज़ा है, अलग ही फील है, मतलब मज़ा आ जाएगा। वहाँ की जो सुबह है वो अलग ही है भाई साहब। और अगर आपको फ्लूट बजानी आती है, लाइक बांसुरी बजानी आती है, और सुबह सुबह का मौसम है, और साथ में चाहे आप कश्मीरी कहवा पियो या चाय पियो, मज़ा ही आ जाएगा। तो सीन ये है कि ऊपर वाला जो रास्ता जा रहा था वो बंद है आगे, तो सब राइडर जो हैं वापस मुड़ के आए हैं और इस वाले रास्ते चल रहे हैं, यानी कि सिंगल रोड, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग यही होता है भाई। मैंने बोला था ना कि शुरू शुरू में तो अच्छा बना रखा है इन्होंने, लेकिन बाद में तो होगा कोई ना कोई पंगा, तो वही है, देखो होगी ना सिंगल रोड। अब चलो इस सिंगल रोड में, अब सिंगल रोड में पंगा ये रहता है कि वही अपना उत्तराखंड वाला हिसाब, श्रीनगर वाली रोड। अब मोड़ों में ध्यान से चलना पड़ेगा, ओवरटेक करना पड़ेगा, और ये बस जो बार बार रुकेगी इधर उधर, ये झेलना पड़ेगा अभी। ये देख रहे हो कहाँ चल रहा है बस वाला, सही है भाई, यही होता है व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग मोर यू गेट
एग्जैक्टली अपोजिट। अरे ऊपर वाली रोड बंद क्यों कर रखी है? आई डोंट नो क्यों कर रखी है, पर आगे चल के पता लग ही जाएगा क्यों कर रखी है। ये रास्ता मुझे याद है, लास्ट टाइम भी मैं यहीं पे था। ठीक है भाई, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई लोग तो आगे पहुंच गए सब, अब मुझे उनको कैचअप करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही नीचे वाली रोड पर आ गए थे, पीछे से उनको डाइवर्ट कर दिया होगा, हमें नहीं करा था डाइवर्ट, इस वजह से आए। यहाँ पे ये वाला पैच ख़राब है और ये कितना ख़तरनाक है बीच में। और ये क्या कर रहा है दिल्ली वाला? ये वाला पैच ख़राब है यहाँ पे। अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से यहाँ जाएं या सीधा जाएं। भाई लोग जाम लगा हुआ है बहुत तगड़े वाला, मतलब कहाँ जा रहा है ये? ये है क्या जाम का कारण? आगे किस चीज का जाम है भाई? भाई लोग यहाँ पे जाम हटाने के लिए इंडियन आर्मी है, पुलिस तो नहीं है इस तरफ मैंने जहाँ तक देखी है, पर हाँ इंडियन आर्मी ही लगाई लग रही है जाम वगैरह सब हटाने में, क्योंकि इंडियन आर्मी के ट्रक लगे हुए हैं ना। अभी बाइकर्स तो निकल रहे हैं, इनके पीछे पीछे अपन भी निकल लेते हैं धीरे धीरे एक ही लाइन पे। ओले भाई, ओहो भाई इतनी चौड़ी रोड होने के बावजूद, आगे रोड बंद है यार कहीं पे, वरना इतनी चौड़ी रोड होने के बावजूद भी जाम लग जाए। द रीज़न इज कहीं ना कहीं रोड बंद है, प्रॉपर पूरी बनी नहीं है। ये लोग ये पड़ती है अपनी पहली टनल, यहाँ पे 50 स्पीड लिमिट है और ओवरटेक नहीं कर सकते हैं एज पर द रूल, और काफ़ी लंबी टनल है। अब टनल खुलते ही एकदम चौड़ी रोड मिलेगी आपको, बहुत लंबी टनल है भाई बहुत लंबी, और जाम इसी टनल के पीछे तक था, और जाम इसलिए था क्योंकि लंबे लंबे ट्रक थे भाई, बहुत बड़े बड़े ट्रक थे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रक, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और लोडेड भाई साहब, हद लोडेड ट्रक्स थे। और चिकन के तो भाई साहब इतने ट्रक्स जा रहे हैं ना, इतने ट्रक्स जा रहे हैं ऐसा लग रहा है सब्जी की जगह चिकन ही खाते हैं भाई, इतने ट्रक्स हैं भाई साहब लिटरली। तब मैं सोचूं मेरे दोस्त लोग आगे कैसे भग गए इतनी जल्दी। भाई क्योंकि वो जाम में से निकलते गए जैसे मैं निकला अभी फटाफट फटाफट, भाई वो तो अच्छा हुआ अंकल ने बोल दिया, वरना तो मैं वहीं रुक जाता। और ये अटल टनल जैसी ही टनल है, बहुत बड़ी टनल है भाई, बहुत बड़ी टनल है। अभी ट्रक वाला आ गया, इसको ओवरटेक करना मुश्किल होगा क्योंकि एक तो साइड में ना अनइवन है, थोड़ा रिस्की है ओवरटेक करना, राइट हैंड साइड से मैं ओवरटेक कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे वो डिवाइडर लगा हुआ है। तो ठीक है थोड़ा चलने देता है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम कर लेंगे कवर। और टफ हो जाता भाई लोग, टफ हो जाता, जाम में फंसे रह जाते तो टफ हो जाता। भाई लोग बड़ा फैशनेबल लगता है ना लद्दाख राइड, लद्दाख राइड ये देखो ऐसे होती है लद्दाख राइड, धूल मिट्टी जाम भयंकर की, ये होती है भाई लद्दाख राइड। ये थोड़ी कि तुम फ्लाइट से पहुंच गए लद्दाख और वहाँ पे रेंट ले गए घूम रहे हो और बोल रहे हो हाँ जी लद्दाख राइड कराया हम, ना मुन्ना ना, उसने नहीं कहते लद्दाख राइड,
होंगी है लद्दाख राइड, जब आप से दूर बड़े रस्तों से होकर गुजरते हो। और आपको पता लगता है कि हाँ क्या क्या हो रहा है भाई रोड में, देख रहे हो कितने चैलेंजेस होते हैं। ये होती है लद्दाख राइड। ये लो जी वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग तो नहीं है लेकिन हाँ पानी तो है ना। और ये कितना गहरा होगा पता नहीं, इससे साइड से निकलता है। ओ ओके, बाप रे चिकनी मिट्टी। रोड था ही नहीं ये, तो ऑफ रोड है। ये भैया ऑडी ले गए हैं। ओ भयंकर क्या मिट्टी है उधर, वहाँ तो दस जाएगी गाड़ी। भाई साहब ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इट विल टेक टाइम, दिस विल टेक टाइम बेसिकली। कीचड़ ही कीचड़ करके। अच्छा उन्होंने टायर चेंज करा लिया पीछे का, क्योंकि पावर तो पीछे वाले टायर में ही है ना सब। ओ भाई, अरे यार ये किसका गिर गया हेलमेट, अपने किसी साथी राइडर का हेलमेट गिर गया। अच्छा उस भाई का गिर गया। भयंकर समझ नहीं आ रहा घुसाऊं ना घुसाऊं उधर, कीचड़ है बहुत ज़्यादा। अब तो घुसा सकते हैं, अब चढ़ेगा जूतों में रंग जम्मू एंड कश्मीर। भाई लोग क्या ही बताऊं रोड की क्या कंडीशन है। और भयंकर टुटुम करता रहा भाई, अरे भयंकर। ले यार इस गाड़ी वाले ने क्या कर दिया, ये खुद का ब्लॉक कर रहा है, बाइकर का भी ब्लॉक कर रहा है रास्ता। भाई साहब रोड है, रोड तो ही नहीं, सॉरी अगर कोई इसे रोड बोल रहा हो तो। भैया मैं नहीं करना, मुझे निकलने दो, चाहे आप काट लो घुमाओ, आप कुछ जो करना हो करो। भाई साहब हालत ख़राब हो गई है। सामने क्या मस्त हुआ है शहर, एकदम बेहतरीन सा। अरे यार मेरा व्यू भी ब्लॉक कर रहा है। अरे बाप रे क्या ट्रकों की लाइन है और क्या तो रोड है। ऐसे तो पहुंच गए हम भयंकर करगिल, अरे जोजिला पास भी बेटे ये तो। चल फिर भी जोजिला पास इससे आसान है यार, तब तो यही है। तो जिला पास पता है कि भाई चढ़ाई है ऊपर है, ठीक है। ये तो भयंकर क्या है, ये ट्रकों की लाइन और ऑफ रोड है पूरा, ये टफ है साला जो जिला पास से। ये लो ऊपर से पानी गिर दिया किसने, और लो भाई तुम व्हाट द हेल। ऑलराइट मुझे नहीं पता कदा कहाँ है पर मैं चल लेता हूँ। तो ओ यहाँ गड्ढा होगा भाई, रोड है भी आ गया बंद है, देख के ऐसा लग रहा है बंद होगी।
बंद ही है भाई। ये देख लाइन लगा है ट्रकों की। नॉट पॉसिबल। ये लो भाई जाम। अरे बाप रे। ओ बाप रे। डैम। अभी ये जो सुरंग थी पीछे उसका हमने बार बार से लिया रास्ता। सुरंग में तो जाम लगा हुआ है। तो भाइयों फाइनली वो टूटा फूटा रास्ता खत्म हुआ। अब यहाँ से हाईवे है। हाँ मुझे इतना तो याद है। बाप रे। यहाँ से राइट लेंगे तो श्रीनगर जाएगा रास्ता। आगे से था यार। आगे से मैं सॉरी गलत रॉन्ग साइड घुस गया। एक्चुअली वो यहाँ से है। सॉरी। तो ये है जी वो हाईवे। अब मैं ट्राई कर सकता हूँ अपने दोस्तों को पकड़ने की। अब ये सीधा सीधा रास्ता है। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा मुझे क्योंकि समय हो चुका है। कितने बज गए हैं तो घड़ी भी ना दिखाई नहीं दे रही। खैर कोई बात नहीं। तो ये सीधा सीधा रास्ता है हाईवे। बाप रे। आगे कहीं पे फ्यूल स्टेशन होगा तो फ्यूल अप कराऊंगा भाई लोग। भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था वो वाला। तो हालत ही ख़राब हो गई भाई। बहुत टफ रास्ता है भाई उधमपुर से यहाँ तक पहुँचने का। बाप रे। अब ये सीधा जाएगा श्रीनगर। कहीं कोई कट नहीं कहीं कुछ नहीं। बीच में हो बीच में एक टनल आएगी अच्छी खासी। और टनल पार करते ही हमें दिखेंगी कश्मीर की वादियाँ। जी हाँ टनल पार करते ही। फाइनली। बस अब मुझे बस एक चीज़ का डर है वो फ्यूज़ का। भाई साहब लिटरली उस फ्यूज़ का डर है मुझे क्योंकि वो मेरे पास एक ही है जो चल रहा है। ये है वो सुरंग। अब इस सुरंग के खुलते ही कश्मीर की वादियाँ मतलब जो कश्मीर के पेड़ होता ना मतलब एक तरह से वादी बोल लो वो शुरू हो जाती है। हाँ और बड़ा ठंडा है भाई सुरंग के अंदर। बहुत लंबी सुरंग है। बहुत लंबी कितनी होगी 9 किलोमीटर की होगी कम से कम। हाँ 9 किलोमीटर की तो होगी लास्ट टाइम। हाँ 9 किलोमीटर के आसपास की होगी सुरंग।
ऑलराइट गाइस, तो वेलकम टू कश्मीर वैली। मैंने कहा था ना सुरंग से बाहर निकलेंगे और कश्मीर वैली शुरू हो जाएगी। तो ये है जी कश्मीर वैली, मतलब आगे देखना क्या मस्त लोकेशन आएगी। वो देखो वहाँ पे स्नो के माउंटेन्स, मस्त है ना। हाँ बाप रे भाई, लोग हाईवे तो बंद था, मतलब बंद मतलब आगे इंडियन आर्मी ने बंद कर रखा है। तो अभी दूसरे पुराने वाले रास्ते से जा रहे हैं श्रीनगर, मतलब नीचे वाला रास्ता जो है उस रास्ते भेजा है। शायद कुछ तो जा रहा है, मतलब कुछ जा रहा होगा इंडियन आर्मी का, तो इस वजह से उन्होंने डाइवर्ट कर दिया रूट हमारा। चल यार वैसे ही लेट हो रहा था, अब और लेट हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल अंदर मार्केट से होकर निकलेगा। अब देखना यहाँ पे वैसे जगह तो अच्छी है, चलो एक्सप्लोर करने के लिए कुछ तो मिलेगा। ये कौन सा शहर है मुझे नहीं पता कौन सा, पर घर अच्छे बना रखे हैं लोगों ने, या दिखने में अच्छे लगते हैं ये घर। यहाँ से 68 किलोमीटर दिखा रहा था पीछे, तो लेट्स सी कितना होता है, कितना टाइम लगता है। वैसे तो 68 किलोमीटर एक घंटे का रन है ना, फिर बाद में देखेंगे कहीं क्या सीन है। पेट्रोल सादा नॉर्मल वाला पेट्रोल, नॉर्मल हाँ जी, नॉर्मल नहीं जो 20 मिनट लगेगा। अरे अच्छा ये कितना रेट है, ये 7 रुपया, 7 रुपये महंगा है, 7 रुपये ज़्यादा है। डाल ही दो सर, ये डालना है, हाँ वही डाल दो, देखी जाएगी कार तो चल जाएगा ना। कितना डालना है, फुल ही करना है, फुल कर रहे हैं। हाँ कार चल जाएगा ना आपके यहाँ, ठीक है। एक सेकंड, कौन से आए, दिल्ली से, दिल्ली से जाना कहाँ, ले करगिल, ले करगिल सोच रहा हूँ फिलहाल तो। ₹800 7 लीटर है, और फ्यूल अप कितने किलोमीटर हो रहा है, 805, ठीक है भाई लोग नोट कर लो। और आठ भाई लोग तो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास रह गया श्रीनगर, और पीछे पुलवामा का रास्ता भी था, और पहलगांव का तो बहुत पहले था, तो पुलवामा पहलगांव के रास्ते पीछे हैं। और आगे कॉनवे जा रहा है इंडियन आर्मी का, इसलिए बार बार रुकना पड़ रहा है और साइड में लगानी पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि कॉनवे को चाहिए होती है भाई, है ना। वैसे भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है इसमें, भाई साहब रिस्क लेने का इच नहीं है ना। तो फिलहाल तो भाई यही सीन है, ऐसे रुक रुक के चल रहे हैं। 40 किलोमीटर है बस, सीधा सीधा हाईवे है डायरेक्ट टू श्रीनगर। बस सॉरी वो नाक बंद हो गया, ठंडा ठंडा लगने लग गया। और बाकी लोग, ये लोग शायद आगे पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं श्रीनगर मिलते हैं। मुझे श्रीनगर रॉयल एनफील्ड में थोड़ा काम है, मुझे फ्यूज उठाने भाई लोग जो कि ज़रूरी है, फिर बढ़ेंगे आगे करगिल के लिए। वैसे अभी दिन के 12:30 हो रहे हैं, चलो 1 बजने वाले हैं, टाइम तो काफ़ी, मतलब टाइम तो काफ़ी है अभी, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ये देखो भाई लोग कश्मीर की वादियाँ, देखो ना सामने क्या मस्त पहाड़ है, और यहाँ पे देखो क्या मस्त खेत है, इधर प्लेन उधर पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। चलो तो भाई लोग श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर हूँ, और यहाँ पे है ये कुछे केसर ड्राई फ्रूट, तो यहाँ से मैंने इत्र वगैरह लिया, मुझे इत्र थोड़े अच्छे लगते हैं, तो यहाँ से केसर के इत्र लिए। इनके पास सिर्फ केसर के ही 2 फ्लेवर थे, मैंने ले लिए, केसर का इत्र चाहिए था मुझे, और काफ़ी अच्छी खुशबू है, मतलब महक अच्छी आ रही है। और पीछे घर देखो कितना प्यारा बना रखा है यार, कितना प्यारा घर, कितना प्यारा घर बना रखा है, और वो देखो कितने मस्त मस्त घर बना रखे हैं वहाँ, देखो सामने बहुत प्यारे प्यारे घर बना रखे हैं लोगों ने यहाँ पे, मतलब मज़े आ जाता है। जो डिज़ाइन है ना बहुत प्यारा है, एकदम कोठी टाइप का,
वाह, वो इसलिए क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो छत पे बर्फ़ ना रुके, इसलिए ये इस तरह का शेप देता है, और इस तरह की शेप लगती बहुत खूबसूरत है। मैंने थोड़ा सा केसर भी लिया, क्योंकि अगर आप इधर आए हैं और केसर ना ले जाएं ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके वाले का केसर थोड़ा अलग सा था तो मैंने वो भी ले लिया, चलो इनका भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। और क्या चखा मैंने केसर, सही लगा मुझे, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और महक इतनी अच्छी आ रही है ना मेरे से अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इतर, इतर बोलते हैं या इतर बोल लो, ये शायद मस्जिद होगी। लोकेशन तो बड़ी प्यारी है और CRPF हर जगह है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओ R15 का राइडर, R15 अच्छी बाइक है यार, वो देखो कितना प्यारी लोकेशन है भाई। वो बीच वाला घर देखो क्या क्या लग रहा है यार, माशाल्लाह क्या घर है, वाह। अभी देखो ये तो जंग पकड़ गए हैं, जंग इसलिए क्योंकि बारिश और बर्फ, जंग तो पकड़ेगा ही ना दोस्त। ओए होए होए, बेहतरीन है यार, मतलब गजब। मैं भी सोचा अपने गांव में भी ऐसे एक घर बनाऊं। और ये बुगिया भाई साहब देख लो कितना बड़ा एरिया है भाई, कितना बड़ा एरिया है, ओ भाई साहब गजब। इसमें तो पूरा क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम बेहतरीन वाला बनेगा भाई, वर्ल्ड बेस्ट सैफ्रॉन ग्रोज हियर, ओ कूल। अच्छा ये खेती है जी केसर की, केसर की खेती यहाँ पे होती है, ये पूरे इलाके में केसर उगता है। तभी वो बोल रहा था कि हमारा लोकल फार्म है यहाँ पे, लोकल केसर उगाया जाता है। ये सारा केसर की खेती है यहाँ पे, श्रीनगर से 19 किलोमीटर दूर, मतलब पहले ये पूरा। ओ तभी वहाँ पे बोर्ड लगा था, ऑफिशियल बोर्ड, ऐसा नहीं कि किसी ने लगा रखा था, ऑफिशियल बोर्ड था, वर्ल्ड्स बेस्ट सैफ्रॉन ग्रो हियर, मतलब समझ लो ना, समझ गए ना, बस गजब यार। ये पिछली बार हमने मिस कर दिया था क्योंकि हम रात को आए थे, अब दिन में आ रहा हूँ ना पहली बार तो नज़र आ रहा है सब कुछ कि वाह क्या लोकेशन मिस करी थी हमने। वैसे मिस तो क्या करी थी, उस दिन हम रात को आ रहे थे तो हमने सनसेट वगैरह भी देखा था, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सनसेट था, ज़बरदस्त एकदम। यहाँ से श्रीनगर है 18 किलोमीटर, पैम्पोर 4, बंदीपुरा 87, और ले है यहाँ से 440, 440 वाट। तो हमें सीधा ही निकलना है, यह है गुज्जर कॉलोनी इधर। ओ भयंकर पत्थर टकराया अभी नीचे, जय हिंद जनाब। इंडिया का फ्लैग तिरंगा ग्लेडियर NH-44, अभी हम NH-1 पे भी जाने वाले हैं। ये है NH-44, और क्या तो लोकेशन है यार, देख रहे हो, वाह जी वाह। सोचो जब बर्फ पड़ती होगी यहाँ पे तो कितना और बेहतरीन लगता होगा ये। अब पता नहीं पड़ती होगी, पहले टाइम पे तो ज़रूर पड़ती होगी यहाँ पे बर्फ, रोपनी होने लगी है यहाँ पे लगता है। सही है भाई, बढ़िया बढ़िया। और अगर तो भाई लोग अभी हम हैं सोनमर्ग के रास्ते में, शाम के 5 बजे होंगे आई गेस, 5:15 के आसपास, और ये वही लोकेशन है जो लास्ट टाइम हम जहाँ रुके थे। अगर आपने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको याद आएगी, अभी दिखाता हूँ, वो देखो वो रही वो लोकेशन। बढ़िया भाई, पंजाब PB-19, ये थी वो लोकेशन जहाँ पे हमने लास्ट टाइम अभिषेक और मैंने यहाँ पे फेक ड्रोन शॉट्स लिए थे और फोटोज वगैरह क्लिक कराई थी। अभी वहाँ पे लॉन्डे क्लिक करवा रहे हैं, मैंने नहीं कराई इस बार, मैंने कहा यार इस बार तो करवा लिया। हमारा टारगेट है वो सोनमर्ग, और मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ पे हमारे आने से पहले बारिश हुई है हल्की हल्की, रोड गीली है, मिट्टी गीली है, और अभी सबके लिए कावा ऑर्डर हुआ है, कावा पियेंगे फिर निकलेंगे अपन लोग। और लोकेशन बड़ी प्यारी है, अभी हम यहाँ बैठने वाले हैं और फोटोज़ क्लिक कराने वाले हैं, चलते हैं अभी सोनमर्ग। आज का टारगेट सिर्फ सोनमर्ग है क्योंकि करगिल होना थोड़ा मुश्किल है, वैसे जाने को तो हम द्रास भी जा सकते हैं, तो लेट्स सी गाइस क्या कर सकते हैं।